हेलो यारो, कैसे हो तुम लोग। तुम लोगों ने जैसा कि थंबनेल में देखा ही था, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोरेमोन और शिनचैन के कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट्स के बारे में जो कि यार आज से पहले तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता होंगे। क्या आप लोगों को पता है कि जियान और नोबिता की डैड का फेस सेम सेम क्यों है? एंड उसी के साथ क्या आप लोगों को पता है कि डोरेमोन की एक मम्मी भी है जो कि हमें सिर्फ एक ही एपिसोड के अंदर दिखाई गई थी? एंड यार उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि शिनचैन का सीक्रेट लव कौन है या फिर शिनचैन के सीक्रेट लव का क्या माजरा है। तो बस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना। हां, हर वीडियो की तरह हम इस वीडियो के अंदर भी कई सारे आप लोगों से क्वेश्चंस पूछने वाले हैं जिनका आंसर आप लोगों को कमेंट्स में देना होगा। अगर आपका आंसर सही होता है तो मैं आप लोगों को जरूर से हाईलाइट दूंगा। रेडी रहना उन सारे क्वेश्चंस को आंसर देने के लिए। तो अब चलो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जियान और नोबिता के डैड के बारे में। आखिर वो दोनों एक जैसा कैसे दिखाई देते हैं? तो देखो यार, सबसे बेसिक बात ये होती है कि जो भी एनिमेटर्स होते हैं किसी भी एनिमे के अंदर, वो यही चाहते हैं कि उनके कैरेक्टर्स काफी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे। चाहे आप किसी भी एनिमे के साइड कैरेक्टर को देख लेना, किसी भी कार्टून के साइड कैरेक्टर को देख लेना, ये फेसेस हमेशा थोड़े बहुत सिमिलर ही रहते हैं। उसी के टाइप से जियान और नोबिता के डैड का फेस एकदम सेम दिखाई देता है। यार एक और बात बता देता हूँ कि शिनचैन की वॉइस डबिंग जो है सुनिए पर वो बिल्कुल ही चेंज हो चुकी है। इसकी कोई दो राय नहीं है कि अब ये ऐसा क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, बिकॉज यार तुम लोग भी जानते हो कि ऑगी की भी वॉइस चेंज कर दी गई थी सोनिए पर जब आया था वो। यार अब हिंदी में भी सोनिए ने शिनचैन की वॉइस को चेंज कर दिया है। यार मुझे इतनी बेकार नहीं लग रही है डबिंग, यार काफी अच्छी डबिंग कर रहे हैं सोनिए वाले, तो बिल्कुल यार अच्छा सपोर्ट जाना चाहिए आप लोगों की तरफ से। तो यार तो बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो चलो आप लोग बताओ कि ये दोनों कैरेक्टर कौन है। हाँ, ये शिनचैन की एक बहुत ही ज्यादा फेमस साइड कैरेक्टर है। आप लोगों को इनके बारे में पता होगा तो इनका नाम जरूर कमेंट में बताना। अगर आपका आंसर सही हुआ तो मैं आपको जरूर हाईलाइट दूंगा। तो अब बात करते हैं कि आखिर डोरामी और डोरेमोन भाई बहन कैसे हैं, क्योंकि जैसा कि तुम लोगों को तो पता है ना, रोबोट्स के मॉम डैड तो होते ही नहीं है, फिर वो आखिर दोनों भाई बहन हुए कैसे यार? तो वैसे इसका सिंपल यार बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है एंड काफी ज्यादा सिंपल है। जिस फैक्ट्री के अंदर डोरेमोन को बनाया गया था उसी फैक्ट्री के अंदर डोरामी को भी बनाया गया था। एंड यार इसी के साथ साथ जो ऑयल डोरामी के अंदर डाला गया था वही ऑयल डोरेमोन के अंदर भी डाल दिया गया था। हम ये भी कह सकते हैं कि डोरेमोन और डोरामी में तेल तेल का रिश्ता है। क्या लिटरली काफी ज्यादा फनी बात है। जब आप लोगों से एक और क्वेश्चन पूछते हैं तो बताइए आप, तो बताइए इस कैरेक्टर का नाम भी आप कमेंट में बता देना कि आप लोगों को कैसा लगता है कैरेक्टर एंड क्या नाम है इसका, वो भी कमेंट में जरूर बताना। बाकी तो आपको पता ही है। तो बात करते हैं हमारे डोरेमोन की मॉम के बारे में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इससे पहले वाली फैक्ट्री में तो मैंने बोला था कि रोबोट्स के तो मॉम डैड होते ही नहीं है, तो फिर मैं कैसे बता रहा हूँ कि डोरेमोन की एक मॉम भी है? तो देखो यारो, वैसे तो हमें एक एपिसोड के अंदर दिखाया गया था कि डोरेमोन ने अपने गैजेट की मदद से उसकी खुद की मॉम बनाई थी, क्योंकि यार उसने अपने गैजेट की मदद से बनाई थी। एंड यार डोरेमोन की मम्मी दिखने में कुछ ऐसी दिखाई देती है। तो अब बात करते हैं मेन टॉपिक के बारे में कि आखिर शिनचैन का सीक्रेट लव क्या है। देखो जैसे कि तुम लोगों को पता ही है कि हमारा शिनचैन कितना बड़ा वाला सिग्मा है, बट अगर तुम लोग इन पिक्चर्स को पहली बार देखोगे तो तुम लोगों को भी लगेगा कि यही शिनचैन का फर्स्ट लव है। बट अगर तुम लोगों को भी यही लग रहा है तो फिर मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि ये बिल्कुल ही गलत है। इंडिया शिनचैन और कजामा में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि तुम लोग समझ रहे हो। एंड वैसे भी जापान और इंडिया में दोनों ये काफी ज्यादा पॉपुलर टर्म है जो कि होती है दोस्त के मजे लेना। एंड वही यार हमारा शिनचैन भी कजामा के साथ करता रहता है। यार यही थे हमारे कुछ फैक्ट्स जो कि आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आए होंगे। यार मेरे तो आज तक एक बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती है कि आखिर मेरी वीडियोस पे इतने कम लाइक क्यों आते हैं। आप लोगों को भी ऐसा लगता है क्या यार? लगता है तो यार लाइक भी कर देना वीडियो को। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। फील पेन, कंटेंप्लेट पेन, एक्सेप्ट पेन, नो पेन। Those who do not know pain will never understand true peace.